हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं जिसान। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिसान स्टाइल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं आपके फोटो के ही बैकग्राउंड जो है कैसे चेंज कर पाए। बहुत ही इजीली जो हम अपने बैकग्राउंड को जो है हम फोटो के बैकग्राउंड को जो वीडियो में चेंज कर पाए। जो फोटो है पीछे जो है कोई वीडियो चलेगा, कोई भी वीडियो जो आप सेट कर सकते हैं, या फिर आपको जो है इसी ऐप्स में बहुत सारे वीडियो के फीचर जो है इसी में मिलेगा, स्टिकर मिल जाएगा, और कुछ अगर टाइप करना हो तो वो भी आप जो है इसी ऐप से जो है बहुत ही इजीली अपने फ़ोटो को जो है एडिट कर पाएंगे, फ़ोटो के बैकग्राउंड में वीडियो सेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। कोई बड़ी एमबी का जो है ये ऐप्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत ही ईजीली आपको डाउनलोड भी हो जाएगा, आप बहुत ही ईजी जो है आप जो है अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को जो है वीडियो में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्लिक कर ले। उसके पास एक बेल आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ सारे के सारे आप देख सके, उससे कुछ सीख सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या पड़ेगा, प्ले स्टोर में आना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है सर्च करना पड़ेगा वीडियो पे लगाने वाला फ़ोटो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है इसका ये जो लोगो है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके जो है आप इजीली जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। सारे फीचर आपको इसी ऐप्स में मिलेगा और कोई भी वॉलपेपर जो है डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद जो है आपके फ़ोन में जो है उसका लोगो जो है कुछ इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे जो आपको क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दो चीज़ मिलेगा, यहाँ पे स्टार्ट एंड माय एल्बम। माय एल्बम जो काम आप जो है इसमें कर चुके हैं वो आपको शो होगा, और स्टार्ट में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो आपको जिसमें भी फ़ोटो है वहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। जिस फ़ोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम जो है इस ऐप्स इस फ़ोटो का जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे क्रॉप जो है क्रॉप में आपको क्लिक कर देना है। क्रॉप में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये जो है कि आप जो है यहाँ पे इरेज है, इरेज जो आप इस तरह करके मिटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ डायरेक्ट जो हम पूरा आपको ख़त्म कर दें तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑटो इरेज जो है नीचे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कहीं पर एक बार जो है टच कर देना है, ये जो है सारे जो है बैकग्राउंड अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है राइट वाला बटन जो है क्लिक में क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो जिस रूट में जाते हैं उस तरह घुमा सकते हैं फ़ोटो को, और नीचे यहाँ जो है साइड में यहाँ से जो है आप जो है कोई भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं यहाँ से जो है आप ईजिली उसे जो है चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक बैकग्राउंड जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी फ़ोटो का हम जो है डबल कॉपी निकाले, डबल रोल वाला सिस्टम के, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंटू टू जो है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे डबल फ़ोटो आ गया है, इसको जो हम सेव कर लेते हैं। अगर सिंगल करना है तो आप एक ही रहने दीजिए, अगर डबल करना है तो वहीं पे क्लिक करके जितना फ़ोटो लेना चाहिए आप लेना चाहते हैं यहाँ से जो है क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ से है टेटो जो है सॉरी यहाँ पे जो इमेज जो है यहाँ से कोई भी जो है आप जो आप रखना चाहते हैं अपने फ़ोटो में वो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने मन से। यहाँ से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं। इसका शेडो आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जो है लगा सकते हैं, इसको जो है हटा भी सकते हैं साइड में शेडो करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो है इसका जो लिखावट जो है अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे जो है यहाँ से आप जो इसका लिखावट जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस जो लिखावट है उसका जो है हम कलर को चेंज करें तो यहाँ से जो है नीचे यहाँ पे जो है कलर आप चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर में रखना चाहते हैं वो कलर जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे राइट वाला ये साइड में जो है सॉरी राइट नहीं है राइट वाला इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो देखिए यहाँ आ गया है, जिस तरह आप इसको सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सेव वाला ऑप्शन जो है नीचे वाला बटन में यहाँ पे क्लिक करके आप जो है
फोन के अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक जरूर कीजिएगा, और भी इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।